नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओके क्रेडिट में हम बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस से जुड़े तमाम पहलुओं की, और साथ ही साथ आपको कुछ नई जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उस विषय का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसकी बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अंत तक देखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और साथ ही साथ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किस तरह के वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आज जिस बिजनेस के पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे वो है प्रोपराइटरशिप। तो आज हम प्रोपराइटरशिप क्या होती है, इसके लिए कैसे आप पंजीकरण करा सकते हैं, कितने दस्तावेज इसमें चाहिए होते हैं, क्या क्या इसके नफे नुकसान हैं, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे बिजनेस में प्रोपराइटरशिप कितनी ज़रूरी है। असीमित देनदारी। प्रोपराइटरशिप में ओनर की देनदारी व जवाबदेही अधिक होती है, क्योंकि बिजनेस में नुकसान होने पर बिजनेस के मालिक को ही अपनी निजी संपत्ति संपदा बेचकर उधारी चुकानी पड़ती है। एक व्यक्ति का व्यवसाय पर नियंत्रण। प्रोपराइटरशिप में बिजनेस का पूरा नियंत्रण बिजनेस मालिक के हाथ में होता है, इसलिए व्यवसाय से जुड़े सभी फैसले वो स्वयं ले सकता है, उसको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक व्यक्ति की पूंजी। प्रोपराइटरशिप में एक ही व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है, जिसमें कई बार बिजनेस मालिक को बैंक, रिश्तेदार आदि से उधारी या लोन मांगना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि यदि बिजनेस में अधिक मुनाफे की जगह नुकसान हो गया तो अकेले बिजनेस मालिक को ही उसका भुगतान करना होता है। एकल स्वामित्व वाले व्यापार में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, इसलिए हानि लाभ उसे ही उठाना होता है, कोई और भागीदार नहीं होता है। व्यापार पर अकेले का दखल। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय में एक ही व्यक्ति पूरे व्यवसाय का मालिक होता है, व्यवसाय से जुड़ी सभी संपत्तियों का वो अकेला मालिक होता है। यदि किसी कारणवश स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो भी व्यापार उसके जाने के बाद खत्म किया जा सकता है, या फिर बिजनेस मालिक का दिल करता है कि ये व्यापार खत्म कर दे तो बिना किसी के अनुमति के वो निर्णय ले सकता है, क्योंकि पूरे बिजनेस पर सिर्फ उसका अधिकार है। व्यापार स्टेब्लिश करने में आसान। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय को स्टेब्लिश करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है, इसलिए कानूनी औपचारिकताएं भी कम होती हैं। एक से अधिक भागीदार वाले व्यवसाय को शुरू करने में अधिक कानूनी औपचारिकताएं होती हैं। एकल स्वामित्व यानी प्रोपराइटरशिप के लाभ क्या क्या हैं? स्वरोजगार देता है। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय का सबसे बड़ा लाभ ये है कि स्वयं को रोजगार देता है, साथ में दूसरों को भी रोजगार देता है। आजकल हमारे देश में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, ऐसे में सभी लोगों को एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। ये देश में बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद करता है। घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध। प्रोपराइटरशिप व्यवसाय ओनर का ग्राहकों और कर्मचारियों से घनिष्ठ संबंध बना रहता है, क्योंकि वो सीधे सभी से संपर्क में रहते हैं। ग्राहकों से सीधे संपर्क में रहने के कारण उसे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में सीधी जानकारी मिलती रहती है, जिससे वो अपने सेवाएं और प्रोडक्ट में सुधार लाता है। व्यापार की गोपनीयता को संजो कर रखता है। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय में बिजनेस ओनर ही बिजनेस को सफल बनाने के लिए सभी योजनाएं बनाता है। वो अपने भविष्य की योजनाएं, किसी सेवा या प्रोडक्ट को लॉन्च करना है जैसी गुप्त जानकारियां छिपा कर रखता है। चूंकि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में कोई और भागीदार नहीं होता है, इसलिए गोपनीयता बनी रहती है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स को उसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती। व्यापार पर उत्तम नियंत्रण रहता है। प्रोपराइटरशिप वाले व्यापार में बिजनेस ओनर का नियंत्रण बिजनेस के सभी कार्यों में बना रहता है, नई योजनाओं को बनाना, उसे लागू करना, हर जगह अपनी इच्छा अनुसार काम करवाता है। शीघ्र निर्णय और उचित कार्यवाही होती है। प्रोपराइटरशिप में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, दूसरा कोई भागीदारी नहीं होता, इसलिए व्यवसाय से जुड़े फैसले लेने में देरी नहीं होती। भविष्य में क्या करना है, कैसे बिजनेस को आगे लेकर जाना है, किसी चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनानी है, इस तरह के फैसले तुरंत हो जाते हैं। अधिक लाभ के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय में हानि हो या लाभ हो, दोनों ही स्वरूप में बिजनेस मालिक को ही सामना करना पड़ता है, तो इस कारण बिजनेस मालिक पैसा कमाने के लिए और अधिक मेहनत करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। लाभ होने पर सारा लाभ उसे ही मिलता है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता। स्थापित करने तथा समाप्त करने में सरल होता है। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम पूंजी लगती है, इसे शुरू करने के लिए कम कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, इसलिए इसे शुरू और समाप्त करना आसान है। स्वामी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अपने व्यापार को बंद कर सकता है, या फिर अपने व्यवसाय को और आगे तक ले जाने के लिए नई योजनाएं बनाता है। प्रोपराइटरशिप की सीमाएं क्या हैं? प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता का अभाव।
प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय में एक ही व्यक्ति प्रबंधन का काम करता है, बिजनेस से जुड़े सभी निर्णय और वर्क स्ट्रक्चर एक ही व्यक्ति देख रहा होता है, जिस कारण कई बार कुशल प्रबंधन का अभाव रहता है। दूसरे व्यवसायों में जिसमें कई बिजनेस में पार्टनर होते हैं, वहां प्रबंधन कुशल रहता है। सीमित आकार। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय में कई बार व्यवसाय एक सीमा तक ही सीमित रह जाता है। एक से अधिक शाखाएं खोलने और व्यवसाय का विस्तार करने पर एक स्वामी सभी कार्यों को ठीक प्रकार से कर पाए, ये सुनिश्चित करना कठिन होता है। निरंतरता का अभाव। क्योंकि प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय को एक ही व्यक्ति चला रहा होता है, इसलिए उसका स्वास्थ्य खराब होने पर या उसकी मृत्यु होने पर व्यवसाय बंद होने की संभावनाएं होती हैं। हालांकि यदि समय रहते बिजनेस मालिक अपने व्यवसाय में किसी को नॉमिनी बना दे, वो अलग बात है। सीमित पूंजी। प्रोपराइटरशिप वाले व्यवसाय में एक ही व्यक्ति पूरे व्यापार में पूंजी लगाता है, इसलिए बहुत अधिक पूंजी का निवेश करना अधिक संभव नहीं हो पाता। ये पूंजी आमतौर पर छोटी होती है और व्यापार के लिए कई बार पर्याप्त नहीं हो पाती। प्रोपराइटरशिप में कौन कौन से पंजीकरण आते हैं? व्यावसायिक टैक्स पंजीकरण, GST पंजीकरण, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण। प्रोपराइटरशिप और इसके लिए पंजीकरण कैसे कराएं? भारत सरकार ने प्रोपराइटरशिप के लिए न्यूनतम शुल्क 500 तथा व्यापारिक न्यूनतम शुल्क 2500 रुपए का निर्धारित किया है। इसके पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पंजीकरण आवेदन के लिए 2 से 20 दिन के मध्य में समय लगता है। साथ ही इसके लिए कोई विशेष औपचारिक विधि तय नहीं की गई है। लेकिन हाँ, अपने बिजनेस आप व्यावसायिक टैक्स पंजीकरण, GST पंजीकरण, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण आदि के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। प्रोपराइटरशिप में बिजनेस को पंजीकरण कराने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। पैन कार्ड और उसकी फोटोकॉपी, बिजनेस मालिक के नाम का आवासीय प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या किसी तरह का बिल, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, अपने व्यापार के पते का प्रमाण पत्र जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल, शॉप और प्रतिष्ठित पंजीकरण प्रमाण पत्र, कम से कम 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, तत्कालिक अकाउंट डिटेल जैसे वैट, CST आदि। कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट बनाकर अपना काम शुरू कर सकता है, किंतु ऐसे बैंक अकाउंट बनाने के लिए ग्राहक को भारतीय रिजर्व बैंक के KYC नीति से जुड़े सभी नियम को मानना होगा। बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए किन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, आप यहां देख सकते हैं। इनमें से किसी 2 दस्तावेजों को आपको बैंक में जमा कराना होगा। म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरफ से दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कंपनी का पंजीकरण पत्र, सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न, CST VAT प्रमाण पत्र, किसी प्रोफेशनल टैक्स संस्था अथवा सेल्स टैक्स की तरफ से पंजीकरण दस्तावेज, भारत में स्थिति किसी CA इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, लाइसेंस अथवा पंजीकरण पत्र जिसे कंपनी के नाम राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हो, किसी भी तरह का बिल जो कि कंपनी के नाम पर हो, इसका भी इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए किया जा सकता है। प्रोपराइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? जिस नाम से आप अपना बिजनेस चाहते हैं, व्यवसाय का नाम चुनें। व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहां से आपका बिजनेस सफल हो सके। व्यवसाय के नाम से भुगतान पाने के लिए आपको बैंक में करंट अकाउंट खोलना होगा। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय के जो आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके साक्ष्य दिखाने होंगे, जिससे बैंक को पता चले कि आपका व्यवसाय सच में गतिमान है। आपको अपने व्यवसाय के लिए पैन कार्ड बनवाना होगा और साथ ही एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने नाम से बिजली का बिल या रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के कागजात, लाइसेंस, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट, GST जैसे कागजात को देना होगा। CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। तो दोस्तों, प्रोपराइटरशिप के बारे में जानकारी आपको हमने दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आई या हमसे कहीं छूट गई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा सहयोग करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।